Be strong. नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयनका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैयाओं का स्वागत है मेरे चैनल गोयनका मैथ्स स्टडी में। बेटा, आज हम यहाँ पर आप क्लास इलेवेंथ वाले बच्चों के लिए सर्कल को लेकर के हम प्रेजेंट हैं। सर्कल कॉनिक सेक्शन के पार्ट में आपके क्लास इलेवेंथ में आता है। नाइन्थ में भी आपने सर्कल को बहुत पढ़ा है, टेंथ में भी आपने सर्कल को बहुत पढ़ा है। डेफिनेशन सर्कल की आप सभी ने पढ़ चुके हैं। केवल एक दो चीज़ें हैं बस, वो इसमें ज़्यादातर इंक्लूड करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द सर्कल। बस ये कुछ चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेशन हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो एक बार मैं आपको डेफिनेशन सर्कल की बता देता हूँ। रिपीट करना है, बताना क्या है। वॉट इज द सर्कल? जनरली हम सर्कल को जो डेफिनेशन अब तक पढ़ते आते हैं वो क्या पढ़ते हैं, इट इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। यही डेफिनेशन पढ़ते हैं। लोकस मीन्स बिंदु पथ, यानी किसी एक पॉइंट का वो रास्ता, वो उस रास्ते पर चले कोई भी एक पॉइंट जिसकी किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, चाहे पॉइंट इस वाले पॉइंट पर हो, यहाँ पर हो, चाहे उसकी लोकेशन यहाँ हो चाहे यहाँ हो, ये सारी डिस्टेंसेज इस पॉइंट से फिक्स रहनी चाहिए, कहीं पर भी चला जाइए, ठीक है। इट इज द सर्कल। डेफिनेशन ऑफ सर्कल क्या है? सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। अब तक ये डेफिनेशंस पढ़ी है, ये क्या हो गई हमारी, रेडियस हो गई, ठीक है जी। ये हमारा जो फिक्स्ड पॉइंट है ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, क्लियर। अब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट की लोकेशन तो उसके यदि आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होते हैं तो वो कोऑर्डिनेट्स अपन क्या लेते हैं, एक्स और वाई लेते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि किसी भी प्लेन को यदि आप टू एक्सिस में डिवाइडेशन कर दोगे तो उसमें एक्स एक्सिस की जो हॉरिजेंटल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, उन पॉइंट्स की लोकेशन शो हो जाती है। वो उसकी केवल पॉइंट की लोकेशन को शो कराता है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अब यहाँ से आगे आपको जो 11th क्लास का पोर्शन है वो हमें टच करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने वाला। तो हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस पढ़ेंगे अभी, ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए। हाँ जी, अब इक्वेशंस ऑफ सर्कल, तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला वाला इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या पढ़ने वाले हम, सेंटर रेडियस फॉर्म। यानी इफ द सेंटर एंड रेडियस आर गिवन देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है जी। चलिए देखिए, मेरे पास ये सर्कल है भैया, ये हमने सर्कल बना लिया, ये हमारे पास इस सर्कल का सेंटर हो गया। अब क्योंकि ये जो सेंटर है ये भी तो एक पॉइंट है, तो लेट इट्स कोऑर्डिनेट्स आर एच एंड के, कोई से भी पॉइंट्स ले लीजिए, ठीक है। अब जो हमारा पॉइंट मूविंग कर रहा है, क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई पॉइंट पी है हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स एंड वाई, जो मूविंग पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग। ये आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि भाई मैंने सेंटर के पॉइंट एच और के क्यों लिए हैं? बिकॉज इट इज फिक्स्ड, यानी इट इज कॉन्स्टेंट, इट इज नॉट वेरिएबल। ध्यान रखना है कि कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ये आपने एक्स वाई ले लिया, ये एक्स वाई क्यों नहीं लिया सेंटर को, हम तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई लेते हैं ना। बट अकॉर्डिंग द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, सेंटर इज द फिक्स्ड पॉइंट, और फिक्स्ड मैथमेटिक्स में कौन है, कॉन्स्टेंट।
जो मूविंग कर रहा है, जो चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, इसलिए इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिए हैं, एक्स वाई लिए हैं, वेरिएबल लिए हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एच के यानी कॉन्स्टेंट, फिक्स्ड है वो अपनी जगह पर, जो होगा वो उसकी डेफिनेट वैल्यू होगी। ठीक है ना, इसलिए यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे अपन, एच और के लेंगे। ठीक है जी, तो यहां से यहां तक इसकी जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाती है, रेडियस। अब जो आपने स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास की, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स क्या होती है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही तो थी, बस लगा दीजिए। तो ये हमारे एक्स वन वाई वन, ये जो दोनों पॉइंट्स है क्या हो गए, एक्स टू, ये उनके बिटवीन की डिस्टेंस हो गई। तो डिस्टेंस ओ पी इजकल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, और ओ पी क्या है अपना, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी, अब यहीं पर हमेशा एक बात ध्यान रखनी कि किसी भी सर्कल की रेडियस आर ग्रेटर देन होएगी जीरो से, ग्रेटर देन, अगर आर जीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, सर्कल बनेगा ही नहीं। इज दैट क्लियर कौशिक जी, यदि रेडियस जीरो हो गई देन इट विल बी पॉइंट, नॉट रेडियस, नॉट सर्कल। ठीक है, तो रेडियस हमेशा क्या होनी है, जीरो से बड़ी होनी है। ये बात आपके बिल्कुल एकदम माइंड में सेटअप कर जानी चाहिए, किसी भी सर्कल के लिए कितना भी उसका सेंटर हो, कितने भी कोऑर्डिनेट सेंटर हो, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, हमेशा उसकी रेडियस ग्रेटर देन जीरो आएगी। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, नोट करिए इसको फटाफट। हाँ जी, अब सपोज दैट अपना सेंटर ओरिजिन पर लाई कर गया, सेंटर अपना ओरिजिन पर लाई करेगा, तो फिर हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एच और के प्लेस पर अपन क्या डाल देंगे भैया, जीरो डाल देंगे, तो इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्व टू। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं, इज दैट क्लियर। अब यहां इसके एक दो क्वेश्चन, हाँ जी देखो, क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर, कॉपी पेन निकाल करके करना है तुरंत साथ के साथ, विद सेंटर माइनस टू कॉमा थ्री एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, करिए फटाफट जल्दी से। तो अब देखो, ये जो हमारा सेंटर है ये क्या हो गया जी, एच आर के हो गया, ये अपनी रेडियस हो गई, डाल दीजिए इक्वेशन में, कितना बन जाएगा भैया, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस इजकल टू 5 का स्क्वायर। इसकी आप कैलकुलेशन कर लेंगे होल स्क्वायर ओपन करके, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y 13 माइनस का 12 इक्वल टू 0, इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ऐसे करके इसको अपन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, यही आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सेकंड टाइप का इक्वेशन निकालने का फॉर्मेट, द इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आर गिवन, किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हों तो फिर
सर्कल को कैसे निकालना है, इक्वेशन को कैसे निकालना। दो तरीके हैं, एक तो जो आपके दिमाग में चल गया तुरंत अभी जो चल रहा है, ये हमारे पास सर्कल है ठीक है जी, ये इसका सेंटर ओ। अब मान लीजिए इसके डायमीटर के एंड पॉइंट आपको दे रखे हैं, ए बी कोई डायमीटर है, लेट ए के कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन, बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स टू वाई टू। एक तो सीधे सीधे चल गया भाई, सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास सेंटर होना चाहिए, रेडियस होनी चाहिए। अब यहाँ से दो तरीके आपके पास बन गए, एक तो ये हो गया कि साहब पहले हम सेंटर निकाल लें, बिकॉज सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, तो मिड पॉइंट का थ्योरम लगा दीजिए, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू वाई वन बाई टू अपॉन टू, तो क्या आ गया आपके पास, सेंटर आ गया। रेडियस डिस्टेंस फार्मूला से पहले इसकी लेंथ निकाल लो, उसका हाफ कर दो, रेडियस आ गई, फिर फॉर्मूले में रख दो। ये तो बेसिक चीज हो गई जो आपने टेंथ तक की पढ़ी थी, थोड़े से हाई लेवल की चीज कैसे पढ़नी है इलेवेंथ स्टैंडर्ड की। लेट देयर आर, क्योंकि सर्कल क्या है, इसकी डेफिनेशन में से जनरेट किया है ये फॉर्मेट, कहीं अलग से नहीं बनाए, बुक में नहीं लिख रहा है, इसकी डेफिनेशन में से लॉकेट किया, पूरा जनरेट किया है अभी। लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट, तो लेट देयर आर एनी पॉइंट पी व्हिच कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई, ठीक है, कोई पॉइंट पी है क्योंकि लोकस है पॉइंट का, ले सकते हैं कहीं पर भी कोई भी पॉइंट। ए भी हमारा डायमीटर है, मैंने क्या किया, ए को ज्वाइन किया पी से, बी को ज्वाइन किया पी से। अब स्ट्रेट लाइन में आ जाओ इलेवेंथ क्लास की में, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर स्लोप प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज माइनस वन। स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे नहीं पढ़े थे। अब इस पॉइंट के ये क्या बनेगा, टेंथ क्लास नाइन्थ क्लास की सर्कल में एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, सो एंगल ए पी भी क्या है 90 डिग्री का, इट मीन्स ए पी परपेंडिकुलर टू बी पी। अब यहाँ आप दो चीजें निकालने से बच गए, एक तो रेडियस निकालने से बच गए और दूसरा आप सेंटर निकालने से बच गए। सीधे सीधे आपका इक्वेशन यह बन गया, इसकी स्लोप इनटू इक्वल टू माइनस वन, लगा दीजिए साहब स्लोप का फॉर्मूला, बाई माइनस बाई वन अपॉन एक्स माइनस, भाई होता क्या है, बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन होता है एपी के लिए, एपी के लिए एक्स वन बाई वन एक्स टू बाई टू, ठीक है ना। बीपी के लिए इंटू बाई माइनस बाई टू अपॉन एक्स माइनस, भाई इसकी स्लोप हो गई इक्वल टू कितना माइनस वन, तो वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू, इसे उठा करके धर ले जाएंगे तो माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस, तो वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस इक्वल टू। अब इसका यहां पर आप फॉर्मेट समझ लो, ना तो आपको रेडियस निकालनी ना आपको सेंटर निकालना। सपोज दैट ये आपको कोई दो पॉइंट दे दिए डायमीटर के एंड पॉइंट माइनस टू कॉमा थ्री, ये दे दिया आपको टू कॉमा थ्री, ठीक है जो भी दे, तो आपको सीधे सीधे इसमें डाल दीजिए साहब, कितना इक्वेशन बन गया आपका, बाई माइनस बाई वन यानी बाई माइनस थ्री हो गया इंटू वाई माइनस थ्री हो गया प्लस एक्स माइनस, तो एक्स प्लस टू हो गया और एक्स माइनस इजकल टू जीरो, इनके इंटू कर लीजिए आपका आंसर आ गया। कोई रेडियस नहीं निकालनी पड़ी, कोई आपको सेंटर नहीं निकालना पड़ा, क्लियर हो गया जी, ठीक है। ये जो चीज़ है ये बुक में नहीं है, ये तो जो डेफिनेशन सर्कल की उसमें से बना ली, और ये वैलिड है सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए जब आपको डायमीटर के एंड पॉइंट दिए गए हों, तो ये वैलिड है ये प्रोसेस, ठीक है नोट करिए। पहले जनरल इक्वेशन तक हम बढ़े उससे पहले कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है थोड़ा सा ब्रेक लगा लेते हैं।
जो चीज़ अब तक के लिए की है वो हुई है या नहीं हुई है, ठीक है सर। पहला एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको आप मुझे करके बताएंगे फटाफट के अंदाज में। चलिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2, 3 टचेज x प्लस वाई इजकल टू 1। उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका सेंटर 2, 3 है और वो इस लाइन को टच करते हुए जाता है, ठीक है। समझ लीजिए, सर्कल का इक्वेशन जब भी आपसे पूछा जाएगा आपको दो चीज़ें चाहिए। क्या चीज़ चाहिए था? रेडियस और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, रेडियस आपके पास नहीं है। यहाँ पर हम दो चीज़ों को, पीछे का जो भी सर्कल पढ़ा है ना, आपका जरा भी वेस्ट नहीं जाने वाला, 10th क्लास तक का जो भी आप सर्कल पढ़े हैं। ये सेंटर है लेकिन वो 10th तक का सर्कल आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है जी। ये हमारी कोई टेंजेंट है, टच करके जा रहा है ना इसको, इट मीन्स इट इज द टेंजेंट। टच करके जाएगा इस लाइन को, इट मीन्स इट इज टेंजेंट हो गई, 10th क्लास में पढ़े थे। और कोई भी टेंजेंट किसी भी सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करती है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। ये भी 10th में बहुत अच्छे तरीके डिफाइन किया था। जिस पॉइंट पर आपको रेडियस टच करती है वो पॉइंट क्या कहलाता है? अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और रेडियस उस पॉइंट पर क्या होती है सा? परपेंडिकुलर होती है, यही तो पढ़े थे। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस की, जो रेडियस होती है, इट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की जो डिस्टेंस है ना, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किस लाइन की? इस लाइन का इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस 1, है ना। या फिर चलो मैं इसको 4 कर देता हूँ, क्या कर दे? 4 कर लो, 1 कर लो, 4 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, वो कोई इश्यू नहीं है, कुछ भी कर लो। 4 थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी लग रही है मुझे आगे चलती, इसलिए मैंने कर लिया है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। किसी भी पॉइंट से किसी लाइन की, किसी एक पॉइंट एच कॉमा के से किसी एक लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, ए ये तो एक्स और वाई के कोफिशियंट है, ए और बी इनटू ये जो पॉइंट है, इनको कह देते हैं अपन एक्स वन वाई वन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है जी? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर प्लस ए। और बी क्या है? एक्स और वाई के कोएफिशिएंट है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फ्रॉम अ पॉइंट व्हिच कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां से आपको क्या करना है, इस लाइन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, रेडियस ही तो निकालनी है, निकाल दो उस वाले फॉर्मूले से, ये आपकी रेडियस आ जाएगी। आर इजकल टू कितना आ गया था? ये एक्स वन वाई वन हो गए। ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? बी की वैल्यू कितनी आ गई? और सी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस फोर आ गई। सी की वैल्यू माइनस फोर आ गई, इसमें डाल दो। तो ए, ए कितना है? 2 इंटू सॉरी एक्स वन की वैल्यू 2, ए वन की वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4 अपॉन स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर प्लस, तो r आ गया आपका 2 प्लस 3 5 माइनस का 4 कितना आ गया? 1 आ गया। तो 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन यानी 1 अपॉन रूट 2 रहने दो या फिर रूट 2 अपॉन 2, कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये आपकी रेडियस आ गई, क्या आ गया? अब लगा दो फॉर्मूला, x माइनस h का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एच और के, हमारे ये हो गए सेंटर के जो पॉइंट्स है। क्लियर हो गया? नोट करिए, ठीक है बेटा। कल यहाँ से आगे के आपको कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कराएंगे, वो हमारी सेकंड वीडियो रहेगी, इसको देखिए। आगे के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।